मैं मूल निवासी जय भारत, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है एवन टीवी। एवन टीवी के माध्यम से एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है खबरों का उड़न खटोला, जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की खबर। उत्तर प्रदेश के बराज जिले में भारी कामयाबी के साथ संपन्न हुआ बाम सेफ एवं भारत मुक्त मोर्चा का जिला अधिवेशन। वहीं इस अधिवेशन की अध्यक्षता बाम सेफ के प्रदेश प्रभारी माननीय विकास चौधरी ने किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी माननीय राम सुरेश वर्मा रहे मौजूद। बलात्कारी बाबा राम रहीम को गिरफ्तार करना सरकार को तब और महंगा पड़ गया जब सुरक्षा प्रबंध पर महज 10 दिनों में सरकार को लगा 5 करोड़ का चूना, जिसमें पैरा फोर्स का खर्च शामिल नहीं है। ऐसा ही एक नजारा 2014 में बाबा रामपाल की गिरफ्तारी के समय देखने को मिला था, जिसे पकड़ने के लिए सरकार ने फूके थे 26 करोड़। 19 तरीक तो लेके 30 तरीक तक कैलकुलेट किया, 5 करोड़ तो उत्ते जिहड़ा साडा खर्चा बनया। बदायूं में 3 सितंबर को होने वाले बाम सेफ के जिला अधिवेशन की तैयारियां हुए तेज। ग्राम सिसोरा में भारी कामयाबी के साथ संपन्न हुई बाम सेफ की मीटिंग। वहीं सैकड़ों लोगों ने ईवीएम के विरोध में किया हस्ताक्षर। लोगों ने कहा ईवीएम के माध्यम से शासक वर्ग द्वारा की जा रही है लोकतंत्र की हत्या। जय जवान जय किसान का नारा सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन यह केवल कहने के लिए है। हकीकत तो यह है कि सरकार एक तरफ जवानों को मरवा रही है तो दूसरी तरफ किसानों को कर्ज देकर आत्महत्या करने को मजबूर कर रही है। ऐसी एक घटना पंजाब के फिरोजपुर में देखने को मिली, जहां कर्ज से परेशान दो किसानों ने की आत्महत्या। महाराष्ट्र के हिंगोली में भारी कामयाबी के साथ संपन्न हुआ बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला अधिवेशन। कार्यक्रम में जुटी सैकड़ों की भीड़। अधिवेशन में उपस्थित लोगों ने तन मन धन से पार्टी को सहयोग करने का लिया संकल्प। वहीं इस अधिवेशन की अध्यक्षता माननीय आरएस पाटिल ने किया। कहीं दिन दहाड़े हत्या बलात्कार को अंजाम दिया जा रहा है तो कहीं दिन दहाड़े एटीएम को लूटा जा रहा है। इसके बाद भी शासन प्रशासन अंधा बना हुआ है। मामला कश्मीर के अनंतनाग का है, जहां पहले एटीएम लूटा गया, फिर एटीएम को तोड़कर लुटेरे हो गए फरार।